we are going to Orchid National Park. अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग काजीरंगा घूमे बहुत कुछ देखा नाइस दो घंटा जैसा लगता है घूमने में तो वी हैव केम टू द लार्जेस्ट ऑर्किड पार्क इन इंडिया ये टिकट काउंटर है काजीरंगा नेशनल ऑर्किड पार्क का 70 रुपीज़ करके लेता है पर हेड और कैमरा का 100 रुपया टिकट जोशी मैडम के पास जोशी मैडम टिकट दिखाइए टिकट मेरे पास है पूरा मेरे पास है टिकट 70 पर हेड एंड 100 रुपीज़ पर कैमरा ओके अभी हम लोग घुस रहे हैं ऑर्किड पार्क के अंदर चलो अंदर जाता है देखते हैं ऑर्किडेरियम क्वाइट बिग अच्छा है वाओ लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्किड्स एक्सक्यूज मी गाइड तो मिलेगा क्या थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हाँ ऑर्किड कंजर्वेशन किया गया है ओके ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कृषक मुक्ति संग्राम समिति ओके ओके यहाँ पे 600 स्पीसीज है ऑर्किड का पूरे नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज मिलते हैं पूरे इंडिया में मिलते 1331 स्पीसीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 900 स्पीसीज मैक्सिमम ओके ओके और जो असम का स्टेट फ्लावर है वो भी एक ऑर्किड है ये वाला ये अभी बाढ़ आके इसका खिलने वाला है okay. ये अप्रैल माह में खिलेगा इसका असमिस नेम है कपू फूल हिंदी में द्रौपदी माला अच्छा। संस्कृत में सीता पुष्पम अच्छा। और फॉक्सटेल ऑर्किड इंग्लिश नाम इंग्लिश टाइम है उसका सो बिहू डांस में इसका यूज़ करें बिहू डांस में काल से ऐसे बालों को लगे क्या पे एक है ये सिक्किम का स्टेट फ्लावर है ये नोबेली ऑर्किड है एंड्रोबियम नोबाइल इसका साइंटिफिक नेम है सिक्किम का स्टेट फ्लावर भी ऑर्किड ही है मतलब जो एपिफाइटिक होते हैं वो पेड़ों में होते हैं ऐसे और ये पेड़ से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है एक्चुअली ये खुद का न्यूट्रिएंट्स खुद रेडी कर सकते हैं इसलिए इसको पैरासाइटिक नहीं एपिफाइटिक बोला जैसे ये फोटोसिंथेसिस करेगा पत्ते से और इसमें से ये सब रूट होता है ना इसमें वेलामेंट टिश्यू होता है स्पेशल टिश्यू जिससे वो एयर से मच्छर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसलिए ऑर्किड को ज़्यादा ह्यूमिड चाहिए होता है 80% ह्यूमिड चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट में इसलिए ज़्यादा है और इस तरफ ये थोड़ा मुरझा गया है ये है पाइन एपल ऑर्किड उसका सिर्फ पाइन एपल जैसा होता है पूरा जब खिलता है पाइन एपल ऑर्किड ये आगे में है तो आप देख सकते हैं सो इसमें लीफ भी नहीं होता पत्ता नहीं होते ये रूट से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए इसका रूट ग्रीन कलर का है मतलब क्लोरोफिल रूट नहीं है स्मॉलेस्ट ऑर्किड वाओ ओके और इस तरफ एक है ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है okay. इसका नाम है हाँ ये तो थोड़ा उसकी तरह लग रहा है हाँ, ये वो पीछे प्लांट जैसा हाँ, हाँ, पर ये पीछे प्लांट नहीं हाँ. पीछे प्लांट एक्चुअली नेपेंथिस या जो नेपेंथिस खासियान आते हैं ओके ओके ये एक्चुअली लेडी स्लीपर है लेडी स्लीपर स्लीपर जैसा है करेक्ट ये मेघालय का स्टेट फ्लावर है और वहाँ पे ही मिलते हैं ज़्यादा मेघालय के स्टेट हाँ इसका नाम है पेपियोपेडिलम हिर्सुटिसिमम ओके असम में इसका 3 स्पीसीज ही मिलते हैं ये बहुत रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज है ओके ओके उसका भी पूरा रूट के साथ ही है दे हैव रियली गुड कलेक्शन ऑफ ऑर्किड ना क्या पे है ये
मछली जैसा थोड़ा थोड़ा लगे मछली जैसा स्मेल है देख तो भाई ठीक है थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग होता है या नहीं ये सीजनल है ये सीजनल सारे ऑर्किड सीजनल होते हैं एक दो स्पीसीज होते हैं जैसे बैम्बू ऑर्किड स्पेकुलेटिस प्लीकाटा ओके ओके ये सब पूरा साल का ओके ओके ये बैम्बू ऑर्किड बाहर में अभी भी खिल रहा है हां क्या प्रभी है ये स्टारफिश ऑर्किड है स्टारफिश खुला ना देख वाओ खुला नप्सिस मन्नी है इसका नाम इसका पत्ता बहुत सुंदर है और अलग अलग एंगल से देखने से ये पत्ता जो वेंस जैसा दिख रहा है ना ये सब साइनिंग होता है ज्वेल लड़के तो यस होता है इसीलिए इसको ज्वेल होता है ज्वेल ओके ना याद रखना रे सब लोग वाओ ये बहुत सुंदर है ये तो एंथोरियम है ये स्पीशीज है ना एंथोरियम एक्चुअली वो आरूम फैमिली से ओके और इस तरफ ये नान ऑर्किड है ये वाला हाँ नान ऑर्किड क्योंकि नान जो सिस्टर होते ना नान ये जो एक पहनता है ना गेट कैप जैसा ओके क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं पर वैसा होता है हाँ 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 वो हुड ऐसा होता है लुक अलाइक लगता है इसीलिए इसको नान ऑर्किड बोलते हैं और सभी ऑर्किड में जो सेपल पड़े होते हैं फाइव ही रहते हैं ऐसे आप ऑर्किड पहचान सकते हैं उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सेपल पेटल ऑलवेज फाइव होगा और मिडिल में एक लीप होगा लेबेलम ये लीप कलरफुल होगा और अलग स्ट्रक्चर का होगा अच्छा 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 एक्चुअली का सेपल और पेटल एक जैसा होता है देखने के लिए इसलिए इसको टेपल बोला जाता है ओके टेपल फाइव होता है मिडिल में लीप होता है लीप कलरफुल होता है एक्चुअली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको पोलिनेशन के लिए हेल्प हो जाए और ये एक्चुअली लैंडिंग प्लेटफॉर्म है आप सभी ऑर्किड में देखिए तो सब में जो लीप होता है ना वो कुछ इस सरफेस में होता है जैसे वहाँ पे कोई इंसेक्ट आके बैठ कोई आके बैठ सके हाँ कौन सा ये वाला हम लोग जो खाते हैं जो वेनिला आइसक्रीम में वो वाला है वो वाला वेनिला ही ओके ये वेनिला बोनेंसिस है ये असम का ही स्पीसीज है और इसमें ही वो फूल खिलने के बाद बीन्स आते हैं इसका अलग अलग स्पीसीज होते हैं जो खेत भी किया जाते हैं केरला में गोवा में अच्छा 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 यहाँ पे भी एक है ये रैबिट ऑर्किड है अब नीचे से देखोगे हाँ ऐसे बैठा हुआ है करेक्ट करेक्ट नाम भी तो ऐसे से रख सकते हैं ना आई थिंक मतलब सिमिलैरिटी है बोल के वैसे ही इसका नेम रखा है ना स्टार वाला था ना ये हाँ हाँ क्यूट रे और इस तरह ब्लू वाला है ये वाओ इतना क्यूट है ना ये भी बहुत रेयर और एंडेंजर स्पीसीज है ब्लू वाला ओके ओके वाला कुरिले इसका साइंटिफिक नेम इससे मेडिसिन भी बनाया जाता है ओके ये ग्लूकोमा डिजीज के लिए इसका फ्लावर से मेडिसिन बनाया जाता है ओके बहुत सारा डांसिंग लेडी है इसको डांसिंग लेडी बोलते हैं दिख भी रहा है दिख भी रहा है आप सिंगल फ्लावर को देखिए हां देखो हां सिर्फ एग्जैक्ट ये एक हां विश्वजी ओनली ये देखो डांसिंग नहीं लग रहा है ये वाला एक रेयर स्पीसीज है ओके इसका नाम होल क्लोग रोसा मेमिसिया नाम है ये वाला ये भी असम का ही है ये वाला जिसमें व्हाइट फ्लावर है ना ये वाला व्हाइट फ्लावर किसके साथ अटैच्ड है ओके इसके साथ इसके साथ अटैच्ड है ये पाइन का बार है पाइन ट्री का बार है अच्छा 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 अभी बॉस ऑर्किड के बारे में इतना ही है अनुपम साइकिया ओके नाइस टू मीट यू अच्छा लगा थैंक्स अ लॉट थैंक यू अनुपम देखा मस्त है ना लेट मी ट्राई टू बी लाइक ग्रेट कलेक्शन गुड जॉब ओके मैन दिस फॉर्स हाँ जोशी मैडम के घर में भी बहुत सारा ऑर्किड मिलता है सिर्फ दो आइटम से मेरे घर में ऑर्किड एक आदमी ने खोजा था लेकिन नहीं मिला एक आदमी ने खोजा था अच्छा बनाया वेरी नाइस बहुत नीट एंड क्लीन भी है जंगल में रास्ता गुम हो जाएगा तो वीडियो में देख के फिर रास्ता निकालेंगे हम लोग ओके अभी हम घुस रहे हैं एक और पॉली हाउस में कैक्टस पार्क
दिस इज कैक्टस पार्क। बड़ा अरे यार, इसको घर में लगाने से कितना सुंदर लगेगा यार रात को। तुम्हारे घर में था क्या? ये है, ये था, वो था, सब कुछ सब कुछ लेके लेके। ये कितना क्यूट सा लगता है, लेकिन ये अगर इस, इसके अंदर अगर उसके ऊपर बैठ गया तो ये काफी बड़ा, बहुत बड़ा है यार। उसमें ढोल बजाना है। जो उसमें ढोल बजाएगा उसको इनाम मिलेगा। कितना करोड़ों में करूंगा मैं तो, करोड़ों से कम नहीं करूंगा मैं। दस मिनट नहीं होगा। और इसको ओढ़ के सोना है। इसको ओढ़ के सोना है। यार सच्ची करे बहुत, इसमें तो क्यों डोंट टच नहीं लिखा है मालूम है? इसमें लिखने का जरूरत नहीं, इसमें नेचर ने बोला डोंट टच। ये नहीं लिखा मैंने। मजा आ गया यार। बोलो कौन सा वाला बजाना है, कौन सा वाला बजाना है बोलो। मुझे तो तबला ही चाहिए, वो वाला है? ये वाला और छोटा वाला, दो तबला हो गया। ये क्या है? इकाइनो कैक्टस। ये भेज के बोलना एंजेलो को बैठने दिया है। इकाइनो कैक्टस गुरु सोनी। अरे ना साफ कैसा लग रहा है रामदेव का एक्यूप्रेशर जैसे यूज करो। यार मजा आ गया यार सच में। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सबको एक बार यहाँ पे आना चाहिए, जो भी काजीरंगा आ रहा है ही शुड विजिट दिस ऑर्किड पार्क। हम लोग भी ट्राई करेंगे कि हम लोग इस ट्री हाउस में चढ़ें, थोड़ा सा इधर उधर का देखें, मजा लें, आनंद लें। चलो भाई जंगल ट्रेल में जाते हैं। हम लोग एक एक मैसेज मेरे लिए प्लीज पुट अप करना। हाँ। वो क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हाँ बोले। ट्रैकिंग चल रहे हैं अभी। हाँ ट्रैकिंग चल रहे हैं और पता चल गया है किसके लिए है। राज के लिए है मैसेज, हम लोग ट्रैकिंग जा रहे हैं। रियल ट्रैकिंग, रियल ट्रैकिंग। हाँ असम नेशनल म्यूजियम। ओके असम के कल्चर को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, पूरा साहब हमको बताएंगे क्या चीज किस चीज के लिए यूज होता है। चलिए बताइए। धान कैसे बोलते हैं? जो धान होता है, साल होता है ना, उसमें साल माटा भर के बड़ा वाला है, सेम है। इसी का मतलब बड़ा वाला साइज है। ये सिर्फ जो भर के डोई हो या साल हो लेके जाते हैं दूसरे जगह में। अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। गाय गुरु है उसमें ये पघा बन के उसमें जो इस्तेमाल करने वाला ये चीज क्या मतलब गांव में मिलता है ये रस्सी, रस्सी है ना रस्सी। अच्छा रस्सी को अच्छे से रखने के लिए। ओके ओके। और ये सब ये रस्सी है ना, ये तो सिल्क है ना, मुगा सिल्क, एरी सिल्क, रेड एरी सिल्क। नहीं ये हम लोग का असम का स्पेशलिटी है, लेकिन मुगा सिल्क ये दूसरा कहीं पर नहीं मिलता है, वेरी रेयर। ओके ये सब तो मछली वछली पकड़ने के लिए होता है, यूज़ होता है। वो चावल का उसको पाउडर करने के लिए ना। नहीं आता तो क्या क्या मिस करते थे तो खेती करने को तो ये वो यूज़ है खेती मसला पिसाम के लिए मसला के लिए। हाँ हाँ तो बना ही रहा है, तो बना ही रहा है यार। अच्छा देखो चाहते रहूँगा।
यहाँ पे हम लोग को आसाम का लोकल जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब मिलेगा, जैसे कि ये ब्लैक राइस है, वेरी गुड फॉर हेल्थ। अच्छा अच्छा, और वो हनी है क्या? प्योर हनी है? ये तो क्या आसार है? वो ये तो ब्लैक पेपर है ना, वो टी गार्डन के वहाँ पे जो देखा था। कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने के लिए जा रहे हैं, बहुत भूख लगा है, सुबह से घूम रहे हैं, ऑर्किड नेशनल पार्क देख लिया है। अगर आप लोग काजीरंगा आ रहे हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए। पार्किंग घूम खा चलो भाई लोग, थोड़ा जल्दी से हम लोग ऑर्डर दे देते हैं। लिया है तुमने पोर्क? मैंने लिया है फिश। इसने भी लिया है पोर्क, उसने भी लिया है फिश। ओके, सो हमारा लंच ख़त्म हो गया है, बहुत ही सेटिस्फाइड और अच्छा लंच था, इट वॉज टू गुड। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आयर में आके एक बार लंच कीजिए। अभी हम लोग काजीरंगा से रिटर्न कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ट्रिप था, शाम हो गई है। एक दिन में हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क घूम लो, सुबह दोपहर को आके आप लोग ऑर्किड नेशनल पार्क देख लीजिए, बस हो गया, वन डे इज सफिशिएंट।